हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में एक साल के भीतर बेरोजगारी दर में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है। यहाँ पर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी कि कामकाजी लोगों की अगर बात करें तो बिहार सबसे निचले पायदान पर है, सिक्किम सबसे ऊपर है और ये खुलासा हुआ है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट में। एक साल में बेरोजगारी की दर में सबसे ज्यादा कमी दर्ज करने के मामले में जो अव्वल राज्य है वह है हरियाणा। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार के एक आम रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। सांख्यिकी मंत्रालय की PLFS की 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में बेरोजगारी दर 3.4% है, जो कि पिछले साल 9.2% थी। बेरोजगारी दर में गिरावट के मामले में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, छत्तीसगढ़ तीसरे और मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है और क्योंकि भारत में निवेश बढ़ रहा है और पोस्ट कोविड इकोनॉमी ने बहुत क्वांटम जंप लिया, जैसे हम कह रहे हैं 7% की हम ग्रोथ कर रहे हैं, जो विश्व में सबसे ज्यादा अपने आप में हाईएस्ट ग्रोथ है, तो स्वाभाविक है कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो डिक्लाइन होगा। मध्य प्रदेश इकलौता राज्य है जहां बेरोजगारी दर 1% से भी कम है। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात और झारखंड है। गुजरात में बेरोजगारी दर 1.1% और झारखंड में 1.3% है। बेरोजगारी की बात करें तो सबसे ज्यादा 8.5% बेरोजगारी दर गोवा में दर्ज की गई है। दूसरे नंबर पर केरल है जहां ये 7.2% है। नागालैंड 7.1% के साथ तीसरे नंबर पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी लक्षद्वीप में है, 11.9%। अगर 15 से 29 साल के युवा वर्ग की बात करें तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी केरल में है, करीब 30% है। वैसे देश की औसत बेरोजगारी दर 3.2% है, जो कि पिछले साल 5.1% थी। अगर कामकाजी लोगों की बात करें तो सिक्किम में सबसे ज्यादा 58.2% कामकाजी लोग हैं और बिहार में सबसे कम 28%। देश की औसत कामकाजी आबादी का अनुपात 38.7% है। रिपोर्ट का इशारा साफ है कि देश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है। भले ही विपक्ष ने बेरोजगारी को संसद से लेकर सड़क तक सरकार पर हमला करने का एक अहम हथियार बनाया हो, लेकिन सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट दिखाती है कि देश में बेरोजगारी दर कम हो रही है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया।